जी मेरा नाम है मीमू, बताने जा रही हूँ। अगर इस संग पर है तिल तो कोई नहीं रोक सकता आपकी कामयाबी। मेहनत और किस्मत ऐसे दो विषय हैं जिन पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। मेहनत पर विश्वास करने वाले लोग किस्मत को नहीं मानते, और किस्मत पर भरोसा रखने वाले लोगों का मानना होता है कि आपकी मेहनत तब तक रंग नहीं ला सकती जब तक किस्मत आप पर मेहरबान ना हो। लेकिन मेहनत और किस्मत के विषय से में समुद्र शास्त्र भी ऐसी कई बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सुनकर पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में कई फल जन्म से ही निर्धारित होते हैं, जिनकी सूचना हमें शरीर पर उपस्थित कई निशानों से मिलती है। जैसे आपके शरीर के अंगों पर तिल के प्रभाव भी अलग अलग होते हैं, जिन्हें देखकर भविष्य में मिलने वाले फलों को जाना जा सकता है। नाभि, समुद्र शास्त्र में पेट पर मौजूद तिल को शुभ नहीं माना जाता, यह व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति भोजन का शौकीन होता है, लेकिन तिल अगर नाभि के आसपास हो तब व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीठ, पीठ पर मौजूद तिल व्यक्ति के रोमांटिक होने के साथ ही धनवान होने का सूचक होता है। ऐसे व्यक्ति खूब कमाता है और खूब खर्चा करता है। पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे पर तिल होने का मतलब है कि आप समाज में प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्ति होंगे। तर्जनी उंगली, जिस व्यक्ति की तर्जनी उंगली पर तिल होता है वह धनवान तो होता ही है, लेकिन शत्रुओं से परेशान रहता है। नाभि के नीचे, जिस व्यक्ति के नाभि के थोड़ा नीचे तिल होता है उसे धन की कभी कमी नहीं रहती है। भवों के मध्य, भवों के मध्य में खाली स्थान के बीच में तिल का होना बहुत ही शुभ माना गया है। यह दाम्पत्य जीवन के अलावा धन धान के लिए भी अच्छा माना गया है। नाक के बाईं ओर, जिनके नाक के दाईं ओर तिल होता है उन्हें कम मेहनत में ही धन का लाभ मिलता रहता है, या भाग्यशाली होते हैं। ठोड़ी, जिस व्यक्ति के ठोड़ी पर तिल होता है उन्हें कभी धन का अभाव नहीं रहता, क्योंकि इनकी आय का साधन हमेशा बना रहता है। अनामिका उंगली के मध्य में, अनामिका उंगली के मध्य में तिल व्यक्ति को धनवान और यशस्वी बनाता है। छोटी उंगली पर तिल, सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका पर तिल होने पर व्यक्ति संपत्तिशाली तो होता है, लेकिन जीवन भर परेशानी और अशांति बनी रहती है। धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।